अमेरिकी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया, वहीं अब उनके पीछे इराक भी पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इराक में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये वारंट जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से जुड़े मामले में इराकी अदालत की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में सुलेमानी की बगदादी हवाई अड्डे के बाहर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने वॉशिंगटन के इशारे पर किए गए ड्रोन हमले की जांच के आदेश भी दिए हैं। इस हमले में जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहादिस मारे गए थे। अरेस्ट वारंट पहले से तय हत्या के आरोपों को लेकर था, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर मौत की सजा थी। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन ट्रंप के लिए इसे एक संकेत माना जा रहा है। सुलेमानी और मुहादिस के मारे जाने से अमेरिका और इराक के बीच राजनयिक संकट उत्पन्न हो गया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी, जो खटास अभी तक खत्म नहीं हुई है। बीते 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहादिस की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत को 1 वर्ष पूरा हो गया। इस मौके पर इराक में मातमी जुलूस निकाला गया। बगदादी हवाई अड्डे की ओर से जाने वाले मुख्य मार्ग पर हजारों की संख्या में लोगों ने इस मातमी जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर उनके पोस्टर्स लगाए गए। इसके अलावा जुलूस में शामिल लोगों के भोजन के लिए टेंट भी लगाया गया। घटना स्थल को दरगाह जैसा बना दिया गया था। लाल रंग की रस्सियां लगाई गई और बीच में सुलेमानी और अल मुहादिस की तस्वीरें रखी गई थी। शोक में डूबे लोगों ने यहां मोमबत्तियां जलाई। आपको बता दें कि हमले के निशान इलाके में अब भी स्पष्ट है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या अमेरिका के लिए एक शर्म की बात है। खेमानी ने कहा, उन्होंने चुपके से वकायरता पूर्वक जनरल सुलेमानी की आतंकवादी की तरह हत्या कर दी। ये अमेरिका के लिए एक बेहद शर्म की बात है। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप पर कितना प्रभाव डालती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।